बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद पटना पुलिस हरकत में आ गई है और वो मुंबई भी पहुंच गई है। सुशांत के पिता ने दरअसल सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर धोखा देने का आरोप लगाया। क्या पूरा मामला सामने आ रहा है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। एक्टर के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि उनका बेटा फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था, लेकिन इसका विरोध रिया चक्रवर्ती ने कई बार किया है। खास तौर पर सुशांत के कर्मचारी और सहयोगियों ने षड्यंत्र के साथ मिलकर सुशांत के साथ धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है। सुशांत के पिता ने पुलिस को दिए आवेदन में लिखा, मुझे मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और मैं अकेला हूं, इसलिए चाहता हूं कि पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच करे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर इस केस को सीबीआई को हवाले करती है तो कहीं ना कहीं उनके जितने भी फैंस हैं, समर्थक हैं, उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को धोखा देने और पैसे लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सुशांत की मौत पर शुरू से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। बॉलीवुड के खास तबके पर सुशांत को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच सुशांत सुसाइड केस में डायरेक्टर महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर और यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा और धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता समेत 42 लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को महाराष्ट्र के इन तीन दलों की सरकार पर विश्वास नहीं है और वही कारण है कि बार बार लोगों की ओर से यह मांग उठ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला महाराष्ट्र सरकार अपने ईगो को दूर रख करके सीबीआई को सौंप दे। इतने लोगों से पूछताछ के बाद भी हालांकि सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री अनसुलझी है। टीम न्यूज नेशन। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच जारी है और इसी सिलसिले में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। सूत्रों की माने तो 4 घंटे तक चली लंबी पूछताछ में अपूर्व ने बताया कि सुशांत और प्रोडक्शन कंपनी के बीच कोई तनाव नहीं था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और आज इसी सिलसिले में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को बुलाया गया था, जिससे पूछताछ हुई। तकरीबन 4 घंटे तक यह पूछताछ चली और जानकारी के मुताबिक जो पुलिस सूत्रों से बात हुई उनके मुताबिक अपूर्व मेहता ने साफ तौर पर पुलिस से बताया कि सुशांत सिंह राजपूत और धर्मा प्रोडक्शन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। फिल्म ड्राइव जो कि थिएटर में न रिलीज़ करके वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई, तो उस बारे में जब सवाल पूछा गया तो अपूर्व मेहता ने बताया कि यह पूरी तरह से बिजनेस डिसीजन था और किसी भी तरह का किसी का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं था, जाहिर है। और मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी अपूर्व मेहता से मंगाई थी और अब उस कॉन्ट्रैक्ट कॉपी की स्टडी भी की जा रही है और आने वाले समय में कुछ और भी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जा सकता है, क्योंकि अब तक जो है कई सेलिब्रिटीज़ के साथ 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।